इस वीडियो में हम आपको बायोएंजाइम्स के मल्टीपल यूजेस के बारे में डिटेल में समझाएंगे। बायोएंजाइम घर पर कैसे बनाते हैं ये तो आपने हमारे इस वीडियो में समझ ही लिया है, तो आइए अब इनके यूजेस के बारे में भी जानते हैं। पर इन्हें बनने में तो 3 महीने लगेंगे ना, तब तक क्या यूज करूं? केमिकल क्लीनर्स के नुकसान जानने के बाद आई विल नेवर बाय देम अगेन। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि 6 मंथ्स की एक्सटेंसिव रिसर्च, टेस्ट्स एंड ट्रायल्स के बाद हम लाए हैं आपके लिए रेडी टू यूज सत्वप्रधान बायो एंजाइम बेस्ड क्लीनर्स, जो कि घर में इस्तेमाल होने वाले हर केमिकल डिटर्जेंट का सेफ एंड नेचुरल सब्स्टिट्यूट है। इंट्रोड्यूसिंग सत्वप्रधान बायो एंजाइम्स। लेकिन इन सब की डिटेल में जानने से पहले इनके कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में जानते हैं। सत्वप्रधान के सभी क्लीनर्स 100% नॉन टॉक्सिक हैं। बायोएंजाइम सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि बच्चे, पेट्स, वाटर बॉडीज एंड मदर अर्थ के लिए भी बिल्कुल सेफ है। इन्हें बनाते वक्त किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स, अमोनिया, फॉस्फेट्स, आर्टिफिशियल कलर्स एंड फ्लेवर्स का यूज ना होने के कारण ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। इन्हें यूज करने में किसी भी तरह का हेल्थ रिस्क नहीं है। All the cleaners are lab tested for their efficacy by NABL accredited labs. Test reports ke according, all of them have 99.9% microbial function and disinfectant efficacy. वैसे तो हम हमेशा आपको प्लास्टिक का कम से कम यूज करने को बोलते हैं और अपने रिसोर्सेज की पैकेजिंग में भी प्लास्टिक यूज अवॉइड करते हैं, लेकिन हमने बायोएंजाइम क्लीनर्स को आपके लिए अपसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल्स में अवेलेबल किया है, क्योंकि गैस प्रोडक्शन के कारण इन्हें मेटल या ग्लास बॉटल्स में स्टोर नहीं करना चाहिए। पुरानी बॉटल्स को कलेक्ट करके एंजाइम से उनकी डीप क्लीनिंग की जाती है, फिर ही उन्हें पैकेजिंग में यूज किया जाता है। आज भी देश में काफी न्यू प्लास्टिक क्रिएट हो रहा है और बहुत सारे रीजंस की वजह से रिसाइकलिंग भी लिमिटेड है, सो वी डिसाइडेड टू रीयूज द एग्जिस्टिंग वेस्टेड प्लास्टिक बॉटल्स। They perform residual cleaning. ये सभी बायोएंजाइम्स की खासियत है। आपका काम तो कपड़े धोकर, बर्तन मांझकर खत्म हो जाता है, लेकिन ये एंजाइम्स उसके बाद भी अपना काम जारी रखते हैं। अगर इन्हें यूज करने के बाद इमीडिएटली आपकी टाइल्स या कपड़े साफ ना भी हों तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। बायोएंजाइम्स के रेगुलर यूज से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको घर की सफाई में काफी फर्क दिखाई देगा। केमिकल क्लीनर्स के मुकाबले इनमें फोमिंग थोड़ी कम होती है, क्योंकि इनमें केमिकल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स की जगह नेचुरल एंड माइल्ड फोमिंग एजेंट्स यूज किए गए हैं, जो कि आपकी स्किन एंड हेल्थ के लिए सेफ हैं। लो फोमिंग और कोई भी स्ट्रॉन्ग केमिकल प्रेजेंट ना होने के कारण इनसे बहुत एफर्टलेसली और कम पानी इस्तेमाल करते हुए सफाई की जा सकती है। दे आर हाईली वर्सेटाइल। वैसे अच्छे से समझा जाए तो सिर्फ एक बायोएंजाइम को यूज करके ही हम हर तरह की सफाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी कन्वीनियंस एंड इजी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने इन्हें अलग अलग तरीके से फॉर्मुलेट करके अवेलेबल किया है। ये सभी क्लीनिंग रिसोर्सेज में 80-90% बायोएंजाइम्स का ही यूज किया गया है। बायोएंजाइम्स फ्रूट पील्स, जैगरी एंड वाटर के नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाए जाते हैं। इन्हें अपने हाथों से बनाते वक्त वी इंश्योर कि ये गॉड फादर सुप्रीम सोल की लवफुल एंड प्योर वाइब्रेशन से भरपूर हों। आप चाहें तो अपनी कन्वीनियंस के लिए क्लीनर्स को स्प्रे बॉटल्स या पुरानी टॉयलेट क्लीनर या डिशवॉश बॉटल में डालकर यूज कर सकते हैं। आइए अब इन सब के यूजेस के बारे में डिटेल में समझते हैं। डिशवॉश। डिशवॉशिंग लिक्विड यानी कि बर्तन धोने वाला साबुन, ये एक ही ऐसा डिटर्जेंट है जो दिन में कई बार यूज होता है। जैसे कि आपने ये वाले वीडियो में समझा कि बर्तनों के लिए यूज किए जाने वाले लिक्विड्स बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स जैसे SLS या ट्राइक्लोसन से भरपूर हैं, जो अल्टीमेटली आपके खाने के थ्रू आपकी बॉडी में जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके बर्तन पर डेली, इनफैक्ट दिन में मल्टीपल टाइम्स यूज होने वाला लिक्विड 100% नेचुरल एंड सेफ हो। बायोएंजाइम्स आर वन सच अल्टरनेटिव्स। डिशवॉशिंग लिक्विड सिट्रिक फ्रूट पील्स की फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया गया 100% नेचुरल क्लीनर है विद अ रिफ्रेशिंग लेमन फ्रेग्रेंस। इनके केमिकल फ्री होने के कारण बर्तन धोने के बाद डिटर्जेंट्स का रेजिड्यू अगर प्लेट या ग्लास पर रह भी जाते हैं
तो उनका खाने के थ्रू आपकी बॉडी में जाकर बीमारियां पैदा करने का खतरा एकदम खत्म। घर की ड्रेन्स में हर बार तेजाब या साबुन जैसे केमिकल्स के जाने की वजह से उनमें काम करने वाला बैक्टीरिया मर जाता है, जिसकी वजह से उनमें स्मेल आने लगती है और अनेक तरह के ड्रेन फ्लाइज और कीटाणु पैदा होते हैं। बायो एंजाइम्स बेनिफिशियल माइक्रोब से भरपूर हैं। ये आपके ड्रेन में जाकर गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ाते हैं और किसी भी तरह के ड्रेन ओडोर या कॉकरोचेस का सामना कर सकते हैं। कुछ दिन रेगुलर बायो एंजाइम्स या बायो एंजाइम बेस्ड क्लीनर्स यूज करने पर आपका ड्रेनेज सिस्टम स्मूथ होने लगेगा। बर्तन धोते वक्त जो पानी ड्रेन से होकर अल्टीमेटली वाटर बॉडीज में जाता है वो एक्वेटिक लाइफ के लिए बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के फॉस्फेट्स, अमोनिया या एक्सेसिव क्लोरीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इट इज एक्सट्रीमली जेंटल ऑन योर हैंड्स। इसे यूज करने के बाद आपके या आपकी हाउस हेल्प के हाथ बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, जो कि अक्सर टॉक्सिक डिटर्जेंट्स यूज करने के कॉमन रिजल्ट्स हैं। इसे यूज कैसे करना है? बस 50 ml कॉन्सेंट्रेट लीजिए और उसे 100 ml कोसे पानी से डाइल्यूट कर दीजिए। अब किसी भी नेचुरल लूफा, कोको कॉयल या बायोडिग्रेडेबल स्क्रब का यूज करते हुए अपने बर्तन साफ करें। हो सके तो आप कुछ ऐसे दिखने वाले मेजरिंग कप्स ले लें, जिससे आपके लिए इन्हें यूज करना और भी कन्वीनियंट होगा। लॉन्ड्री वॉश। सिट्रस फ्रूट पील्स, रोज पेटल्स एंड सोपनेट से बना बायोएंजाइम बेस्ड लॉन्ड्री क्लीनर आपके कपड़ों को साफ और फ्रेग्रेंट बनाता है। इनमें मौजूद बेनिफिशियल एंजाइम्स आपके कपड़ों को और भी सॉफ्ट बनाने में मदद करते हैं और तो और उन्हें लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। अब आपको वो केमिकल लॉन्ड्री डिटर्जेंट से धुले कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे, जो धुलने और सूखने के बाद भी अपनी टॉक्सिसिटी को आपके स्किन पोर्स के थ्रू ब्लड फ्लो में ट्रांसफर करते रहते हैं। बायोएंजाइम बेस्ड क्लीनर्स आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ हैं। अगर आप कपड़ों को हाथ से धो रहे हैं तो 10 लीटर वार्म वाटर में 50 ml लॉन्ड्री लिक्विड डालकर उन्हें कम से कम 30 मिनट्स के लिए भीगने को रख दें। आधे घंटे बाद उन्हें स्क्रब करके धो लें। मशीन में कपड़े धोने के लिए 5 kg लोड में 100 ml लॉन्ड्री लिक्विड यूज कीजिए और अगर स्टेन्स बहुत टफ हैं तो उन्हें प्री ट्रीट कीजिए, यानी कि उन पर अनडाइल्यूटेड लॉन्ड्री लिक्विड अप्लाई करके 30 टू 40 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद उन्हें मशीन में डालें। एक और बात, किसी भी वन टाइम यूज्ड वाटर को, जैसे मशीन वाटर या फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश वाटर को, ग्रे वाटर कहा जाता है। वी एडवाइस यू बायोएंजाइम यूज करके कोई भी काम करने के बाद इस पानी को ड्रेन करने की बजाय इसे कलेक्ट करके अपने प्लांट्स या गार्डन में दें, एज इट्स अ हाईली न्यूट्रिशियस फीड फॉर योर प्लांट्स। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी ब्लीच या केमिकल डिटर्जेंट एडेड है तो उसे प्लांट्स को मत दें। फ्लोर क्लीनर। फिनाइल का पोचा लगाने पर घर में नेगेटिव एनर्जीज, मन में एंजाइटी, डिप्रेशन और शरीर में अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। बायो एंजाइम से पोचा लगाने से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे कॉकरोचेस, मक्खी, मच्छर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेमन ग्रास और नीम की एंटी बैक्टीरियल एंड क्लीनिंग प्रॉपर्टी से भरपूर सत्वप्रधान फ्लोर क्लीनर हर तरह के जर्म्स एंड बैक्टीरिया को साफ करने में मदद करते हैं और किसी भी तरह के VOCs या एयर पोल्यूटेंट्स भी पैदा नहीं करते हैं। इसे यूज करने के लिए एक बकेट में 5 लीटर वार्म वाटर लीजिए और उसमें 25 ml फ्लो क्लीनर ऐड करके कुछ टाइम के लिए रख दीजिए, ताकि इनमें प्रेजेंट एंजाइम्स एक्टिव हो सकें। आफ्टर 20 टू 30 मिनट्स उससे पोछा लगा लें। ऑल पर्पस क्लीनर। अब बारी है एक ऐसे क्लीनर की जो आप किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं, और यही कारण है इसे ऑल पर्पस क्लीनर कहा जाता है। इसे आप किसी भी सरफेस डिसइंफेक्टेंट की जगह अपने टेबल टॉप्स, कबर्ड्स, मिरर्स, होम अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल्स या किसी भी तरह की हार्ड सरफेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ रोज की कूलिंग, सूदिंग एंड मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज इसे स्किन इरिटेशन, इचिंग, इंसेक्ट बाइट्स पर या फिर एज अ स्किन टोनर स्प्रे यूज किए जाने के लिए भी परफेक्ट बना देती हैं। अपनी स्किन हेल्थ के लिए आप रोज पेटल्स, नीम लीव्स या कोई भी मनपसंद एंजाइम अपने घर पर भी बना सकते हैं। इसे बनाने के बारे में डिटेल मेथड जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें।
नीम एंजाइम को पानी में डालकर नहाने से फंगल इन्फेक्शंस एंड सोराइसिस जैसी स्किन डिजीजेस से काफी रिलीफ मिलेगा। इसे घर में स्प्रे करने से आप घर के अंदर की हवा प्योरीफाई कर सकते हैं। मोर ओवर इट हेल्प्स फाइट बैड ऑडोर इमीडिएटली, तो इन्हें टॉयलेट स्प्रे के लिए भी यूज किया जा सकता है। 1 लीटर पानी में 100 ml ऑल पर्पज क्लीनर ऐड करके आप ऊपर बताए गए किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। आप यूजेज के हिसाब से इसकी डाइल्यूशन रेशो कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, बायोइंजाइम को डिल्यूट करने के कुछ देर बाद ही यूज करें। ऐसा करने से इनमें मौजूद माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं एंड माइक्रोबियल फंक्शनिंग भी बढ़ जाती है, जिससे ये और भी इफेक्टिव हो जाते हैं। फ्रूट एंड वेजी वॉश। आजकल की सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश। तुलसी की एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज और मोरिंगा की हीलिंग एंड नरिशिंग पावर से इनरिच्ड पेश है तुलसी एंड मोरिंगा फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश। ये आपके फ्रूट वेजिटेबल्स के सरफेस पर से पेस्टिसाइड रेजिड्यू रिमूव करता है, फ्रूट्स में मौजूद पोर्स के थ्रू उनके अंदर के केमिकल्स कम करता है, जिससे कि उनका स्वाद बेहतर होता है। केमिकल्स की एप्लीकेशन की वजह से फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का डिग्रेडेशन प्रोसेस बहुत तेज हो गया है, लेकिन बायोएंजाइम्स में सोक करने से इनका गलने और सड़ने का प्रोसेस स्लो हो जाता है। कुछ फ्रूट्स जैसे एप्पल्स, आंवला या बनाना स्पोरस नहीं होते हैं, उन्हें सोक करने से पहले उनमें इस तरह नीडल से होल्स करके ही सोक कीजिए। मोरिंगा बायोएंजाइम्स हाईली बेनिफिशियल है। हम तो अपने घर एंड ऑफिस की वाटर टैंक में 1:1000 रेशो में इसे अपने पानी में ज़रूर ऐड करते हैं। ऐसा करने से वो पानी प्योरीफाई हो जाता है और प्लास्टिक टैंक से लीच होने वाले माइक्रोप्लास्टिक्स का हमारी बॉडी में जाने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए 5 लीटर पानी में 30 ml फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश डाल के कम आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दीजिए। उसके बाद इन्हें निकालकर साफ पानी से अच्छे से धोकर सुखा लें और फिर ही स्टोर करें। टफ स्टेन क्लीनर। अब बचते हैं आपके घर की टॉयलेट सीट्स, ग्रीजी सर्फेसेस, बाथरूम टाइल्स एंड मिरर्स पर लगे सॉल्ट स्केल्स के जैसे टफ स्टेन्स। इन्हें साफ करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए बायोएंजाइम के पल्प से बना टफ स्टेन क्लीनर। टॉयलेट सीट साफ करने के लिए अनडाइल्यूटेड स्टेन क्लीनर को इस तरह से वॉशिंग क्लोजेट की वॉल्स पर लगाकर छोड़ दें। 20 से 30 मिनट के बाद इसे अच्छे से ब्रश से साफ करके फ्लश कर दें। आप चाहें तो अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे कोई पुरानी टॉयलेट क्लीनर की बॉटल में डालकर भी यूज कर सकते हैं। टाइल्स के ऊपर सॉल्ट स्केल्स रिमूव करने के लिए उस पर इस तरह से अनडाइल्यूटेड क्लीनर अप्लाई करें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसे अच्छे से धो लें। कुछ टफ एंड पर्सिस्टेंट स्टेन्स के लिए आप इसे लगाकर पूरी रात के लिए छोड़ दें और सुबह ही धोएं। कभी कभी कुछ हार्ड स्टेन्स एक बार में नहीं जाते, लेकिन बायोएंजाइम्स को रेगुलरली कुछ दिन यूज करने के बाद ये पूरा एरिया डीस्केल हो जाएगा। बर्तनों पर स्टिकी ऑयल स्टेन्स रिमूव करने के लिए 50 ml क्लीनर 100 ml वार्म वाटर से डाइल्यूट करके 20 से 30 मिनट्स के लिए उन पर लगे रहने दें। बाद में अच्छे से स्क्रब करके धो लें। आप इसे कॉपर वेसल्स पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उन पर से टफ ग्रीन ऑक्साइड लेयर रिमूव कर देता है। फ्रेश वाटर टैंक क्लीन करने के लिए ब्लीच पाउडर या तेजाब की जगह बायोएंजाइम्स का यूज कीजिए। 1000 liters टैंक में 1 liter बायोएंजाइम ऐड करने से उनमें मौजूद जर्म्स एंड बैक्टीरिया कम हो जाएंगे और उसमें से बैड ऑडोर आती है तो वो भी दूर होने लगेगी। टफ स्टेन क्लीनर से आप टैंक की वॉल्स भी स्क्रब एंड वॉश कर सकते हैं। ग्रीजी वॉल्स पर अनडाइल्यूटेड स्टेन क्लीनर अप्लाई करके 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें। बाद में उसे गीले कपड़े से साफ कर दें। ये थे कुछ कॉमन सफाई के काम जिसके लिए हम रोज अपने आप को इतने खतरनाक केमिकल्स को एक्सपोज करते थे स्ट्रॉन्ग केमिकल डिटर्जेंट्स खरीद कर। इनके अलावा और भी छोटे छोटे काम जैसे ज्वेलरी क्लीनिंग, फ्लश टैंक क्लीनर, मिक्सर ग्राइंडर जार्स और कारपेट साफ करना, रस्ट रिमूवल, कार वॉश, स्किन केयर, हेयर केयर, इन सभी एस्पेक्ट्स में बायोएंजाइम यूज करने के बहुत बेनिफिट्स हैं।
ये सभी क्लीनर्स हमारी वेबसाइट satoprdhan.com पर अवेलेबल हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे इंस्टॉल करने का लिंक भी नीचे दिया गया है। बायो एंजाइम्स को यूज करते वक्त हमेशा याद रखें कि एक नेचुरल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस से बने ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस हैं। यूजेज के दौरान इनकी एफिशिएंसी को एक नेचुरल क्लीनर के हिसाब से जज करें, ना कि स्ट्रॉन्ग केमिकल डिटर्जेंट से कंपेयर करते हुए। इन्हें हम चाहकर भी कमर्शियल क्लीनर्स जितना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, क्योंकि हम इनमें वो इंग्रेडिएंट्स नहीं डाल सकते जो आपके और इस एनवायरनमेंट पर अपने लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स छोड़ जाते हैं। बायो एंजाइम्स का यूज आपके और एनवायरनमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद है। बायो एंजाइम्स नेचुरल तरीके से काम करते हैं। इन्हें अपने घर के लिए चूज करना हमारा खुद को, हमारे आसपास के जीवन को और इस प्लैनेट को एक छोटा सा तोहफा है। अगर आप आज से ही ये स्विच करने का डिसाइड करते हैं तो वी थैंक यू फॉर मेकिंग दिस चॉइस फॉर द प्लैनेट। बायो एंजाइम्स के बारे में डिटेल में समझने के लिए आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस देख सकते हैं, और तो और sattvicklifestyle.in पर जाकर हमारे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर हर घर केमिकल फ्री बना सकें। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मिलेंगे। पेश है तुलसी एंड मोरिंगा फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश। पीछे करते पेश है, इधर कर दूं, क्योंकि हम इनमें वो इंग्रेडिएंट्स नहीं डाल सकते जो आपके और इस एनवायरनमेंट। यार इतना लंबा बोला था। आप उस अब यू स्माइल के साथ जख्म भी दी गई है।